नमस्कार, जेके खबर नौ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। बिलावर के लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, ये दिक्कत तकरीबन 4-5 दिन से है और लोगों का ये भी कहना है कि अगर कल तक पानी नहीं आता है तो हम पीएचई महकमा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। बिलावर से विजय कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं बिलावर का रहने वाला हूँ। हमारे गाँव में 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अब तो ऐसे कई हैंडपंप हो गया या बोली हो गई, उस पर से जाते हैं। कुमार जी, क्या परेशानी है? पानी की समस्या है। कितने दिन से? 5-6 दिन हो गए पानी नहीं आया है और पानी दूर से लाना पड़ता है और इधर पानी नहीं है, पानी पीने के लिए प्रॉब्लम बढ़ी है। सोजाना में खादी ग्रामोद्योग जम्मू कश्मीर के द्वारा एक लोक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें आम लोगों और बेरोजगार युवाओं को खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ने खादी ग्रामोद्योग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया और उन्होंने सोजाना में पहली बार इस तरह के शिविर का आयोजन किया। जेके खबर नाउ के लिए कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ पंगोत्रा की रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के शोपियान जिले में भारी बर्फबारी पर एक लड़की की मॉक रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर उन दिलों को जीत लिया है जहां उसे सबसे प्यारे पत्रकार के रूप में करार दिया गया है। लड़की के नकली वीडियो को कैमरे में कैद करने का छोटा वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल और पत्रकारों के साथ साथ हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया। जम्मू से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। आज हम जहाँ खड़े हैं, इस इलाके का नाम शोपियान है। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और जिसके कारण एक मंजिल, मकानों का एक मंजिल दब चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भी इस बर्फबारी की वजह से बहुत ठंड है यहाँ पर। तो हम जो आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो यहाँ पर जो कहानी है वो कुछ छोटे बच्चों के रिलेटेड है जिन्होंने पढ़ने के बहाने एक टनल बनाई है और वहाँ पर जाके छुप गया। बच्चों का कहना ये है कि वो पढ़ाई से तंग आके इस टनल में रहते हैं। दिन भर उनके पेरेंट्स उनको ढूंढते हैं लेकिन वो इस टनल में छुपे रहते हैं। उनके पेरेंट्स को इस टनल के बारे में कुछ नहीं पता है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इंटरव्यू के बाद यहाँ पर बहुत लोग जमा हुए हैं और इस टनल को देखने आ रहे हैं। आप, हम आपको दिखाना चाहेंगे ये टनल कैसी है। जी देखिए, ये छोटे से बच्चे, बच्चों बाहर आओ, आओ बच्चों, एक एक कर दिया, आओ बेटा, आओ। हाँ बोलो बेटा, आप यहाँ पर क्यों हो इस टनल में? बोलो बोलो बेटा। लगता है सर्दी की वजह से सूज गए हैं। आओ बेटा, अब यहाँ जिला कठुआ युवा कांग्रेस ने चलो पंचायत अभियान की शुरुआत की। युवा कांग्रेस ने पंचायतों के अंतर्गत आने वाले लोगों की शिकायतों को सुनने के उद्देश्य से चलो पंचायत अभियान शुरू किया। इस अवसर पर जिला कठुआ यूथ कांग्रेस ने राज्य के युवाओं और किसानों के लाभ के लिए युवा शक्ति कार्ड और किसान मांग पत्र को शामिल किया। रोमी शर्मा जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चलो पंचायत अभियान की शुरुआत युवाओं और किसानों से जुड़ने के उद्देश्य से की गई है। कठुआ से कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। सब डिवीजन घगवाल में स्थित रई माता मंदिर में बसंत पंचमी के दिन पंगोत्रा बिरादरी का मेला आयोजित किया गया और वहां पर हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर मां का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया और यहां पर लंगर की काफी व्यवस्था देखने को मिली। आपको बता दें, पहले दिन रामायण पाठ हुआ और दूसरे दिन हवन किया गया, जहां पर हर साल बसंत पंचमी के दिन पंगोत्रा बिरादरी का मेला होता है। घगवाल से कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट।
कटरा के साथ लगते गांव कटवाल में भारत विद्या मंदिर स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या मंदिर के भारतीय शिक्षा संगठन समिति के मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। आज गांव जराई के लोगों ने सड़क की समस्या को लेकर सरपंच आराधना अडोत्रा की अध्यक्षता में प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी और मांग की जल्द से जल्द सड़क को बनवाया जाए। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। लाखों की लागत से बना सरकारी डोंगवेल बना खंडर, ऐसा ही कुछ सामने आया सांबा के सुम्ब क्षेत्र में। गांव दुनाई में आज तक इसका कभी उपयोग नहीं हुआ है, ना तो यहां किसी भी अधिकारी ने सुध ली है। ये सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक्स मंत्री यशपाल कुंडल के साथ JKPN पार्टी कार्यालय विजयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि SC ST नियोक्ताओं के लिए पदोन्नति के आरक्षण जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नोटिस में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर SC ST के कर्मचारियों के अर्ध चालक शामिल है। डिस्ट्रिक्ट सांबा में 30वां रोड सेफ्टी वीक का आयोजन किया गया। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल JK खबर नाव के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए JK खबर नाव। आप हमारा फेसबुक पेज JK खबर नाव भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और फोटो के साथ हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।